बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज का हमारा लेक्चर नंबर थ्री पे है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारे सामने जिसको हमने सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस हैं, तीन आपके सामने लिखी हुई हैं और आपने इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और हम सब ये जानते हैं कि जब भी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस को मोर देन वन इक्वेशंस अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंस की हैं और वो लीनियर हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमें चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है। तो चलते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की टेक्निक की तरफ। जब भी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इन कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस में मॉडुलोस को चेक करना होता है कि तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस में जो मॉडुलोस हैं क्या वो पेयर वाइज कोप्राइम है, जस्ट लाइक 3, 5 के साथ, 5, 7 के साथ एंड 3, 7 के साथ कोप्राइम होना चाहिए। तो ये सारे लकीली जितने भी मॉडुलोस हैं कि सारे आपस में, इन तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के आपस में कोप्राइम है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है आपके पास ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए और एम को आपस में कोप्राइम होना चाहिए। तो इस वक्त इन तीनों इक्वेशंस में जो ए हैं, एक्स के जो कॉफिशेंट्स हैं वो आपके पास 1 हैं और 1 और इन तीनों मॉडुलोस का अगर आप जीसीडी लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास वो कोप्राइम वाली सिचुएशन आती है। तो ये दो कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारी ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस जो हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू सॉल्वेबल हैं। सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे कुछ डाटा एंटर किया जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कि ए आईज जो हैं A1, A2, A3 ये तीनों हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस में 1 है और मॉडुलोस लिखे। मॉडुलोस की वैल्यू पहली इक्वेशन में मॉडुलो आपके पास 3 है, दूसरी में 5 और तीसरी में 7 है। और साथ ही साथ जो मैंने चेकिंग की है वो एज और मॉडुलोस की आपस में को प्राइम होने को, रिलेटिवली प्राइम को चेक किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इन तीनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन उससे पहले इन तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है अलग अलग। जैसे आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं और उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, वो आपने पहले इन तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस में निकाल के रखनी है। अब पहली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, इससे पहले भी मैं एक लेक्चर दे चुकी हूँ, उसमें हमने चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया था साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो फॉर्म आपको इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन की दी हुई है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। नॉर्मल जो आपके पास फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, वो ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो आपके पास एम होता है। इसमें आपको करना क्या होता है कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कि आपको एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है किसी तरह, और जो भी इस बी की जगह जो भी सॉल्यूशन के बाद नंबर आएगा वो आपका इस एक्स की वैल्यू होगी जो कि इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सॉल्व करने से आती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास बी एक्स का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली 1 है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसने सॉल्व करके, मतलब इस तरह की कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन के यहाँ पर सिलेक्शन है कि आपको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का जो इंडिपेंडेंट इस कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है उसको हम यहाँ पे x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से सेकंड को x2 से और थर्ड की सॉल्यूशन को हम x3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। x1 यहाँ पे आपके पास है 2, x2 जो है वो आपके पास है यहाँ पे 3 और इसी तरह से x3 जो है वो आपके पास 2 है। तो ये आपके पास तीनों कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मॉडुलोस ये आपके पास पड़े हुए हैं। तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस जो है वो सिंप्लीफाइड है। नेक्स्ट, चूँकि हमारा, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ, ये देखें जी, हमारा जो सॉल्यूशन आता है साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आता है उसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो तीनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। और उसका जो फॉर्मूला है जनरल वो ये है, इसमें आपको x1 नज़र आ रहा है, x2 नज़र आ रहा है और x3 नज़र आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको n1 n1 star, n2 n2 star और n3 n3 star नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं इसलिए आपको ये तीन ही टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं कि n1 n2 और n3 को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और ये फॉर्मूला आपके सामने है। देखिए, आपने इन तीनों मॉडलोस की रिस्पेक्ट से एक कैपिटल एम मॉडुलो बनाना है जो कि इन तीनों मॉडुलोस को के प्रोडक्ट से आता है, दैट इज़ 105 इन दिस केस।
और जो आपका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा जो कि एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ओरिजिनल तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सॉल्यूशन जो है वो इस कैपिटल एम मॉडलों के रिस्पेक्ट से होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कैपिटल एम फाइंड कर लिया। उसके बाद जो एन आई और एन आई स्टार्स नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे, उनका फॉर्मूला है आपके पास, पहले एन आई आप फाइंड करेंगे उसके बाद एन आई स्टार्स फाइंड करेंगे। एन आई और आई की वेरिएशन जो है यहाँ पे 1 से 3 तक है, ठीक है। तो इसमें आपने वन की आई की जगह एक दफ़ा 1, 2 एंड 3 पुट किया, इनमें फॉर्मूलों में वैल्यूज़ इंसर्ट की और आपके पास n1, n2 और n3 की वैल्यू जो है वो आपके सामने आ गई। इन वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करेंगे एन आई स्टार्स फाइंड करने के लिए। ये देखें जी, एन आई स्टार्स क्या नंबर होते हैं कि जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एन वन फाइंड किया है, एन वन का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम वन, दैट इज़ कॉल्ड एन वन स्टार। इसी तरह से एन टू स्टार का मतलब है एन टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम टू, और एन थ्री स्टार का मतलब है एन थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम थ्री। हम सब जानते हैं कि कॉन्ग्रेंस में अगर दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज होते हैं तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मॉडलो। एन वन और एन वन स्टार अगर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेज हैं तो वो कॉन्ग्रेंट होंगे वन मॉडलो एम वन के साथ, ठीक है जी। इसी तरह से एन टू जो हैं वो एम टू मॉडलो के साथ कॉन्ग्रेंट होंगे वन मॉडलो एम टू के साथ, और इसी तरह से एन थ्री जो हैं वो वन मॉडलो एम थ्री के साथ कॉन्ग्रेंट होंगे। आप इसमें जाएं और इन तीनों इक्वेशंस में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इंसर्ट करें। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इंसर्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं एन वन की वैल्यू मैंने इंसर्ट की, इसी तरह से एन टू की वैल्यू 21 और एन थ्री की वैल्यू 15 इंसर्ट की, और फिर जिस तरह से हम कॉन्ग्रेंस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एन वन स्टार का आंसर निकला 2, एन टू स्टार का आंसर 1 और एन थ्री स्टार का आंसर जो है वो आपके पास वो भी 1 विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो एम निकला। इन तमाम आंसर्स को आपने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ये देखें इस इक्वेशन में ये जो एक्स नॉट की इक्वेशन है जिसमें जो भी हमें डाटा चाहिए था वो हमने फाइंड आउट करके रख लिया। अब आप इन तीनों को यहाँ पे टर्म्स को यहाँ पे पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए जी, आपके पास जब आप ये सारी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 233 एक्स नॉट का आंसर आता है, और ये जो आंसर है ये आपका विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल एम है। कैपिटल एम की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 105, तो ये इक्वेशन आपके पास एक्स नॉट का आंसर है 233 मॉडलो 105। लेकिन ये कॉन्ग्रेस इक्वेशन का रिमाइंडर होता है, ये कभी भी मॉडलो से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, आप इसे मॉडलो से लेस करें, मॉडलो की किसी मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है रिमाइंडर का वो यहाँ लिखें। तो 23 आपके पास आंसर आता है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल एम। अब जो कैपिटल एम मॉडलो की रिस्पेक्ट से आपके पास एक्स नॉट का आंसर आया है 23, यही आंसर आपके ओरिजिनल तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप उन तीनों इक्वेशंस में एक्स की जगह एक्स 23 यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू इंसर्ट करें तो वो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी और ये यूनिक सोल्यूशन है आपके पास। तो इस तरह से हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए 3 लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया।